कोई गाइडेंस देने वाला है नहीं। ज़्यादातर छात्र ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं जो हिंदी मीडियम के हैं। कोचिंग में क्या है कि आएंगे नए छात्रों किसी को चश्मा लगा कर देख लेते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस अपने आप गायब हो जाता है। नए स्टूडेंट्स इस क्षेत्र में आना चाहते हैं वो प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी करके चले। जब हम बिना प्रैक्टिस किए अगर आते हैं एग्जाम हॉल में तो उसमें दिक्कत ये होती है ना कि हम प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम अभिभांश को स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज अभी हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज परीक्षा भवन के पास है जहां पर यूपी पीसीएस मेंस 2023 का एग्जाम हो रहा है। आज फर्स्ट डे का एग्जाम है, यानी हिंदी का एग्जाम पहले टाइम में अभी हो रहा है। कैंडिडेट्स अभी निकलने वाले हैं बाहर, तो उनसे जानेंगे कि आज का उनका एग्जाम कैसा रहा, किस तरीके से प्रेशर होता है, क्या एग्जाम का पैटर्न रहा, सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। बस आप लोग वीडियो में तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। हेलो सर, एग्जाम कैसा रहा? एग्जाम तो बहुत अच्छा रहा सर। यूपी बीसीएस के लिए आपका इस बार कौन सा अटेम्प्ट है? ये मेरा छठवां अटेम्प्ट है, छठवीं बार मैंने दिया। इसके पहले मैं 3 मेंस और दे चुका हूँ, आरओ के भी मैंने 3 मेंस दिए हैं, 16, 17 और 21 दिनों का। और मतलब इंटरव्यू तक कॉल आई है? इंटरव्यू मेरा एक बार 9 नंबर से रुका था अभी तक। तो क्या लगता है मतलब कमियां कहां पर रह जा रही है जिसकी वजह से? देखिए, मेन चीज़ क्या है कि सिलेबस बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पे हो चुका है, तो आंसर राइटिंग मस्ट हो गई है। आंसर राइटिंग जितनी बेहतर रहेगी उतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि मेरी आंसर राइटिंग अच्छी नहीं थी, इस वजह से इसके पहले मैं असफल हुआ। इस बार आपने मतलब आंसर राइटिंग के लिए क्या एक्स्ट्रा चीज़ें आपने इस बार की? इस वजह से मैंने कुछ जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और अपने कमरे पर भी नियमित रूप से लेखन अभ्यास करता रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अपने परिणाम के प्रति आसान्वित हूँ और कुछ बेहतर करूँगा। आज सर एग्जाम को फर्स्ट डे था, हिंदी का पेपर था इस टाइम, तो हिंदी का पेपर आपका कैसा हुआ? क्या मतलब सारे क्वेश्चन इस बार अटेम्प्ट? मैंने सारे प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं, प्रश्न पत्र बहुत संतुलित था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो आउट ऑफ सिलेबस हो या जो बिल्कुल ऐसा हो कि एकदम कहीं बाहर से आ गया हो, तो ऐसी कोई बात नहीं थी, बिल्कुल संतुलित पेपर था। प्रीवियस ईयर पैटर्न पे था या मतलब? नहीं, पहले के ही पैटर्न था, बिल्कुल सही। अच्छा, बहुत सारे छात्र हिंदी को लेकर कन्फ्यूज रहे थे, खासकर जो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड जिनका रहता है उनके लिए हिंदी एक चैलेंजिंग रहता है, तो मतलब क्या सजेशन आपका रहेगा? देखिए, मेरा व्यक्तिगत सजेशन ये है कि 70 नंबर का तो व्याकरण का सेक्शन आता है, उसको आप अच्छे से कर लीजिए। अगर आप वो कर लेंगे तो उसमें जो है बिल्कुल भरपूर नंबर मिलता है, बिल्कुल गणित के जैसे नंबर मिलता है। जैसे आपने विलोम शब्द किया, 10 विलोम है तो 10 आपने 10 के 10 कर दिए तो आपको 10 के 10 नंबर मिल जाएंगे। या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है तो आपने उसको कर दिया तो उसमें आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। मुहावरे हैं, मुहावरों में क्या है कि आप बिल्कुल स्तरीय प्रयोग कीजिए। मुहावरों का अर्थ तो आप सही लिख देते हैं, एक नंबर मिल गया, लेकिन जो स्तरीय प्रयोग नहीं करेंगे, आप रामू श्यामू सोनू मोनू लिखेंगे तो आयोग उसको जो है सही नहीं मानता है। तो जिस प्रकार की परीक्षा है, प्रशासनिक अधिकारी बनने की परीक्षा है, तो उसी प्रकार से अर्थ प्रयोग भी किया जाना चाहिए मुहावरों में। सर, हिंदी के लिए मतलब कोई बुक्स वगैरह या फिर कहीं कोचिंग वगैरह ज्वाइन करनी चाहिए? देखिए, हिंदी के लिए क्या है कि मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं और पर्याप्त गलतियाँ हैं उनमें, जैसे कि बहुत सारी किताबें हैं, किसी प्रकाशन का नाम लेना उचित नहीं होगा। तो खासतौर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वासुदेव नंदन प्रसाद की पढ़ सकते हैं या हरदेव बाहरी की पढ़ सकते हैं। और बाकी जो छात्र तैयारी करें तो उनके लिए आपका कोई सजेशन या सुझाव रहेगा किस तरीके से तैयारी करें या फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस? देखिए, जो भी नए स्टूडेंट्स इस क्षेत्र में आना चाहते हैं वो प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी करके चलें और पर्याप्त आंसर राइटिंग करते रहें, क्योंकि 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क होता है। और मुझे लगता है कि स्तरीय क्वेश्चन अगर आप मटेरियल अच्छा लिख पाएँ या मैटर अच्छा डाल के लिख पाएँ तो मुझे लगता है 20 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो एक दो क्वेश्चन ऐसा, जैसे इसके लिए एक टिप्स और देना चाहूँगा कि जैसे निधि पटेल मैम ने पहले ही बताया है तो मैं उनको इस बार फॉलो करूंगा। उन्होंने बताया है कि 5 क्वेश्चन आप शॉर्ट कर लीजिए पहले, उसके बाद आप लॉन्ग पूरे कर लीजिए, उसके बाद जो 5 शॉर्ट बचते हैं उसको कीजिएगा। तो ये चीज़ मैं आपके ही चैनल से देखा हूँ, तो इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ और इस बार मैं यही स्ट्रेटजी अपनाऊंगा। सर, आपका मीडियम क्या रहा तैयारी? नहीं, हिंदी मीडियम रहा मेरा। हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए क्या मतलब चैलेंजिंग टास्क रहता है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि सिलेबस को समझना। हिंदी मीडियम के छात्र अक्सर इस वजह से गुमराह है कि उनको सिलेबस पता ही नहीं है, किस प्रकार से तैयारी करनी है ये कोई गाइडेंस देने वाला है नहीं। ज़्यादातर छात्र ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, तो उनके लिए तो इलाहाबाद बिल्कुल नया संसार जैसा रहता है। आएंगे कोचिंग में क्या है कि आएंगे नए छात्रों किसी को चश्मा लगा कर देख लेते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस अपने आप गायब हो जाता है। जैसे अभी मेंस में बहुत नए जो छात्र आए होंगे, किसी को या मुझे ही मान लीजिए चश्मा लगा के देखेंगे तो लगेगा कि अरे बहुत पढ़ने वाले लोग हैं, हमारा कहाँ होगा। तो सर्वप्रथम यह है कि किसी को देख के अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन मत कीजिए, सभी बराबर हैं, हो सकता है आपका चयन हो जाए और अगले का ना हो। तो बिल्कुल अपने अटेम्प्ट को आखिरी अटेम्प्ट समझ के बिल्कुल एकदम पूरी मेहनत से लगना है और प्रयास करना है। दोस्तों, आप लोग के साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना था, इसलिए वीडियो को बीच में रोकना पड़ा, इसके लिए माफी चाहेंगे। दोस्तों, आप में से जो छात्र यूपीपीएससी 2024 और आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं और अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपके इसी सपने को साकार करने के लिए पीडब्ल्यू लेकर आया है समीक्षा बैच, प्रथम बैच और योगा बैच। बात करें समीक्षा बैच की तो ये यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए प्रीलिम्स और मेंस का बैच है, जिसका अभी फीस 1299 रुपये रखा गया है। यदि इसमें आप हमारा कूपन को
कोड VIP200 यूज करेंगे तो आपको 200 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। दोस्तों प्रथम बैच UPPSC 2024 के लिए हिंदी माध्यम और योगा बैच UPPSC 2024 के लिए इंग्लिश मीडियम का प्लिम्स प्लस मेंस का बैच है। इन दोनों का अलग अलग फीस 4,499 रुपए रखा गया है और यदि इसमें आप हमारा कूपन कोड VIP500 यूज करेंगे तो आपको 500 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। दोस्तों इन कोर्सेज में आपको इंडिया के टॉप फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिलेगा तो इस मौके को हाथ से ना जाने दीजिए। PW के इन कोर्सेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए और अपनी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। हेलो सर, आज का हिंदी का पेपर आपका कैसा हुआ? सामान्य रहा। वैसे कुछ मुहावरे जो थे वो थोड़े से मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर का जो पेपर वैसे सॉल्व करके आते हैं हम, तो उसमें कुछ मुहावरे ऐसे थे जो नहीं मिले। एग्जाम PCS का आपका ये कौन सा अटेम्प्ट? ये मेरा जो है चौथा अटेम्प्ट था और मैंने दूसरी बार ये मेंस दिया। अच्छा सर, जैसे फर्स्ट टाइम कोई कैंडिडेट आता है और इस बार देखा जाए लगातार आपके दोनों टाइम एग्जाम चल रहे हैं, तो कितना प्रेशर रहता है एग्जाम का, उसको किस तरीके से हैंडल किया? जी बहुत प्रेशर बहुत होता है क्योंकि दो मीटिंग में लिखना होता है 3-3 घंटे 6 घंटे। अब ये देखिए कि कंटिन्यूस 4 दिन लिखने हैं यानी टोटल मिला लीजिए 24 घंटे, ठीक है। तो ये हार्ड वर्क का है एक तरीके से एग्जाम कहें तो, ठीक है, कि बिना आप जो है प्रैक्टिस किए आप जो है नहीं लिख सकते। और वैसे भी चाहिए तो वैसे कि मतलब एक आध दिन का गैप होना चाहिए, बट ये तो आयोग के ऊपर निर्भर करता है। जो छात्र सर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मतलब क्या सजेशन रहेगा, क्योंकि लगातार एग्जाम होते हैं तो उसको पहले से प्रेशर हैंडल करने के लिए क्या क्या चीज़ें मतलब ध्यान रखनी चाहिए? उनके लिए ये होना चाहिए कि घबराना नहीं है। ऐसा होता है कि जब हम बिना प्रैक्टिस किए अगर आते हैं एग्जाम हॉल में तो उसमें दिक्कत ये होती है ना कि हम प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बेहतर रणनीति और लगातार जो कंसिस्टेंसी होती है वो बेहद आवश्यक है, और रूम पे या फिर जो है लाइब्रेरी में जहाँ भी उनको उपयुक्त लगे वो वहाँ पे बैठ के, और बल्कि 3-3 घंटे ऐसे जो है जैसे एग्जाम का पैटर्न है वैसे वो घर पे रूम पे या फिर लाइब्रेरी में वो प्रैक्टिस करें तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, हिंदी के पेपर की बात करें तो क्या क्या चीज़ें लगभग पूछी जाती हैं पूरे एग्जाम के दौरान हिंदी के पेपर में? हिंदी में जैसे कि दो पैसेज होते हैं, और पैसेज में जैसे कि उस पर ये लिखा जाता है कि उसका देखा जाता है कि निष्कर्ष लिखना होता है, और फिर वो उसको क्या बोलते हैं शीर्षक लिखना होता है, उसके बाद उसमें कुछ अंडरलाइन किए हुए जो सेंटेंस होते हैं उनका भावार्थ लिखना होता है, और बाकी आपका मुहावरे होते हैं और विलोम होता है, और विलोम के अलावा आप देखें तो ये क्या कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, ठीक है। हिंदी की बात करें तो आपने हिंदी के लिए मतलब कहीं कोचिंग या कैसे गाइडेंस लिया? नहीं, हिंदी के लिए कोचिंग तो फिलहाल मैंने नहीं ली थी। कोई बुक्स वगैरह फॉलो की थी आपने? हाँ, बुक्स हमने जो है जरूर फॉलो किया था, वो यूथ कंपटीशन की जो बुक आती है उसको मैंने देखा था, प्लस आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसको मैंने देखा था, तो उसमें प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें वो जो है दिए मेंशन किया होता। हेलो सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार यादव। सर आज हिंदी का पहला पेपर था तो पेपर कैसा हुआ? सर पेपर काफ़ी अच्छा हुआ, पेपर मेरा हिंदी का सही जाता है और अच्छा हुआ। अच्छा, जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी तरीके से था या कुछ इधर उधर बदला होता? नहीं, क्वेश्चन जैसे एक्सपेक्टेशन थी उसके अकॉर्डिंग ही थी, क्वेश्चन में कोई खास बदलाव नहीं था, पेपर बैलेंस था, अच्छा पेपर था। अच्छा, UPPCS के लिए आपका इस बार कौन सा अटेम्प्ट था वो मेंस? UPPCS के लिए प्री के लिए तो मेरा बहुत पुराना अटेम्प्ट हो गया कई बार, लेकिन मेंस मेरा फर्स्ट है। मैं एक्चुअली डिफेंस में था, अभी रिटायरमेंट आया तो फिर ये सीरियस अटेम्प्ट दिया तो फर्स्ट मेरा अटेम्प्ट है। कैसे आप टाइम मैनेज करते थे वहाँ पे, क्योंकि टाइम तो यदि आप कहीं अलग जॉब कर रहे हैं तो टाइम थोड़ा मैनेज करना टिपिकल होता है, तो कैसे आप टाइम? स्टार्टिंग में जब मैं सेना में था तब टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा इशू होता था, टाइम मिलता ही नहीं था, बशर्ते जो टाइम मिलता था उसमें ज़्यादातर प्री की ही पढ़ाई हो पाती थी, मेंस का प्रिपरेशन नहीं हो पाता था। बट जैसे मैं रिटायरमेंट आया तो मैंने कंप्लीट प्रिपरेशन की प्री मेंस सबकी। इतना टाइम तक आपने प्री का एग्जाम दिया था नहीं निकल पा रहा था और मेंस आप फर्स्ट टाइम देने के लिए आए हैं, तो क्या मतलब क्या चैलेंजेस रहते हैं फर्स्ट टाइम आप मेंस देने के लिए आए, लगातार इसमें पेपर आपको लिखने पड़ते हैं दोनों टाइम, 4 दिन लगातार आपको पेपर लिखने पड़ते हैं, तो क्या चैलेंज रहते हैं? मेंस पेपर लिखने में एक्चुअली स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगती थी, बट मैंने GS वर्ड में टेस्ट सीरीज ज्वाइन की और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट या जो भी चीज़ें हैं कंप्लीट सॉल्व हो गई। कुल मिला के मेरा टेस्ट जो GS वर्ड में टेस्ट देना था उससे काफ़ी हेल्प मिली और ये सब चीज़ें नॉर्मल हो गई अब तो। अच्छा सर, मेंस के पहले जो प्री का एग्ज़ाम होता है उसमें भी टेस्ट सीरीज का इम्पोर्टेंस रहता है?
बिल्कुल मैं पहले नहीं समझता था, बट अभी मैंने देखा, मैं इस बार से ही टेस्ट सीरीज प्री और मेंस दोनों की ज्वाइन किया, तो इसमें बहुत बेनिफिट मिलता है आपको, हर तरीके से बेनिफिट मिलता है, टाइम मैनेजमेंट से लेके क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, करेंट अफेयर्स क्या है, इतने प्रोसेस से आप गुजर जाते हैं कि वो क्वेश्चन फिर एग्ज़ाम में टकराते हैं और एक बेनिफिशियल काम करते हैं। मीडियम क्या रहा सर आपका? मेरा हिंदी मीडियम। तो हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए कोई सजेशन आपका रहेगा कैसे आगे तैयारी करें, या फिर अभी हिंदी का पेपर था तो हिंदी के लिए मतलब क्या बुक्स आपने फॉलो की थी या कोई? हिंदी में बुक्स के लिए देखिए, मैं आदित्य पब्लिकेशन को फॉलो किया, पृथ्वीनाथ पांडे की बुक है और एक यूथ पब्लिकेशन की आती है, उनको जो ज़रूरत के पार्ट थे उनको मैं वहाँ से लिया, कंप्लीट एक बुक फॉलो नहीं किया, बट अलग अलग कंटेंट के हिसाब से मैंने अलग अलग बुक फॉलो की, इन तीनों बुक से मेरा सफिशिएंट हो गई प्रिपरेशन, और जिसमें मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहे हैं, बहुत अच्छा है। दो दो पूरी तैयारी UPBCS की बात करें उसके लिए या फिर हिंदी के लिए कोई आपने कोचिंग? मैंने कोचिंग कोई भी नहीं की, मैंने कोचिंग कोई नहीं की, और मेरे मेंस में मेरा भाई है ये खड़ा हुआ है, इसने मेंस की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प की और जिससे कि चीज़ें कवर हो गई। कोई सर बहुत सारे छात्र भी सेल्फ स्टडी से तैयारी करें तो उनके लिए आपका कोई सजेशन सुझाव रहेगा कि सेल्फ स्टडी से तैयारी करें तो क्या क्या चीज़ ध्यान रखना चाहिए? सेल्फ स्टडी में देखिए, पहले तो आप अपने फ्रेंड से बेसिक बुक्स वगैरह बारे में पता कर लीजिए, या फिर यूट्यूब से पे अवेलेबल हैं जो चीज़ें उनको देख लीजिए, और अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं तो पहले कुछ न कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, आप सेल्फ स्टडी थोड़ा सा कर लीजिए, चाहे इधर उधर की ही करिए बट कर लीजिए, जब आप कोचिंग में जाएंगे तो बेनिफिट मिलेगा, और फिर कोचिंग में नहीं भी जाना चाहते हैं आप, सेल्फ भी करना चाहते हैं तो भी सेल्फ स्टडी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ अगर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं किसी भी कोचिंग की तो बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त हेल्प करता है, जो कि मेरी हेल्प हुई। ओके सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना है, यदि आप लोग चाहते हैं कोई आप लोग का क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि आगे अभी PCS मेंस का एग्जाम चलने वाला है तो वो क्वेश्चन आपका हम वीडियो में कवर कर लेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।